नारद भक्ति सूत्र 49 पर हम डिस्कशन करते हैं, जो इस प्रकार है। यो वेदान अपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुराग। हम लगते हैं कि जो लोग वेदों को भी जो लोग त्याग देते हैं, उन्हें भगवान का एक्सक्लूसिव, उनको अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का मतलब है कि उनको विशुद्ध भगवान का जो है प्रेम उनको प्राप्त होता है, और अप्रतिहता, अविच्छिन्न मतलब बीच में छिन्न नहीं होगा, रुकेगा नहीं, निर्बाध बढ़ता जाएगा। वो जो भक्त है वो निर्बाध भगवान की सेवा में लगा रहेगा। सो वेदों का त्याग करने से ये प्राप्त होगा। बड़ी हैरानी का विषय है कि नारद जी ऐसी एडवाइस कर रहे हैं। क्यों हैरानी का विषय है? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 15:15 में कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश च सर्वेर अहम एव वेद्या वेदांतवित वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। कि मैं ही सबके हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और भूलने की शक्ति आ रही है। और फिर कह रहे हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या, सभी वेदों के द्वारा केवल मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदांत कृत, और जो वेदांत सूत्र है इसका रचयिता भी मैं ही हूँ। तो जब भगवान ने स्वयं वेदांत की रचना की, भगवान ने वेद रचे, भगवान जो हैं कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, तो फिर आखिर नारद जी यहाँ क्यों कह रहे हैं कि वेदों को अगर रिनाउंस कर देंगे, त्याग देंगे, तो भगवान की अविच्छिन्न, अप्रतिहता, निर्बाध और विशुद्ध जो है प्रेम जो भक्त है वो प्राप्त कर पाएगा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सी बात लग रही है। वेद तो बेसिकली नॉलेज है, और हम लोग ये बोलते हैं कि जो वेद हैं, अगर भगवान भी वेद नहीं मानेंगे, हम भगवान को भी रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे हम भगवान बुद्ध हैं, जब भगवान बुद्ध ने बोला वेदों को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि लोग वेदों का इस्तेमाल कर रहे थे यज्ञों के अंदर पशु हत्या करने के लिए। तो अहिंसा परमो धर्म लेके आए थे भगवान बुद्ध, उन्होंने बोला वेदों का त्याग कर दो, बेकार हैं वेद। तो हम भगवान बुद्ध को महत्व नहीं देते हम, क्योंकि उन्होंने वेदों का त्याग कर दिया, उन्होंने बोला वेद को मैं नहीं मानता। उनका एक पर्पस था, वेल चलो पर्पस सॉल्व भी हो गया उनका, लेकिन सॉल्व भी क्या हुआ? जो बौद्ध हैं आज की तारीख में, जो जितने भी एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जापान इत्यादि कंट्रीज में और ये चाइना में, वो लोग अंधाधुंध मांस खा रहे हैं। और इतना मांस खाते हैं, पीछे मैं हिमाचल गया था, मैकलोडगंज, वहाँ पे मेरे को कुछ लोग वहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे थे, बोल रहे हैं कि इतना ये टनों के हिसाब से जो है कच्चा मांस, जो वहाँ के मॉन्ग्स हैं, जो बौद्ध हैं वहाँ के रहने वाले, वो टनों के हिसाब से खरीद के लेके जाते हैं। तो वो कहाँ गया भगवान बुद्ध का अहिंसा परम धर्म? उन्होंने वेदों को भी रिजेक्ट करवा दिया, उनके अनुयायी मांस भी खा रहे हैं भगवे कपड़े डाल के, दोनों तरफ से नुकसान हो गया बेसिकली। उसका क्या औचित्य रहा? भगवान बुद्ध के वपु की तो पूजा कर रहे हैं, वाणी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो कि बहुत ही दुखद बात है। तो वेद इतने महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को भी वेदों के शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः, न स सिद्धि मवापनोति, न सुखम न पराम गति। कि जो शास्त्रों की विधि को छोड़ देता है वो व्यक्ति जो है
उसको ना कोई सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना पराम गति, ना परम गति प्राप्त होती है, ना भगवत धाम पहुंच पाता है जो मनमाने ढंग से काम करता है। तो एक इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो यही है कि वेदों में कर्म कांड काफ़ी प्रधानता से दे रखा है। तो जो एक भक्त है वो वेदों में वर्णित जो कर्म कांड है उसको त्याग देता है, उसका पालन नहीं करता, इस सेंस में बोला जा रहा है। ये थोड़ी सी संकुचित विचार है लेकिन एक विचार है, इसको भी एक्सेप्ट इसको किया जा सकता है। जो फर्दर जो थॉट्स हैं इसमें, कंसिडरेशंस हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि वेद और भगवत गीता में लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि वेद श्रेष्ठ हैं कि भगवत गीता श्रेष्ठ है। हालांकि लोग बोलते हैं कि वेद श्रेष्ठ है क्योंकि भगवत गीता जो है वो महाभारत स्मृति का, इतिहास का हिस्सा है वो, और जो वेद हैं वो मतलब श्रुति हैं वो वेद तो। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि वेद स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान ने बोली है, वो किसी से कम तर कैसे उसको आंक सकते हैं हम। तो इस डिबेट में अगर हम नहीं जाके एक तीसरा हम एक कंक्लूजन लेके आएंगे, तो ये विरोधाभास जो जितने भी दिख रहे हैं इनमें सामंजस्य बेसिकली स्थापित हो जाएगा। और इस दौरान, इस चर्चा के दौरान हम श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के हम 3 श्लोक उस पर डिस्कशन करेंगे, और एक पद्यावली का श्लोक जो है, जो श्रील रूपा गोस्वामी ने कोट किया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है ये श्लोक बाय द वे। इनको, इन पर डिस्कशन करके फिर हम एक कॉन्क्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे। तो भागवतम 11:18 में जो है वो बता रखा है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि, अगर कोई वेदों में पारंगत है, न निष्णायात परे यदि, लेकिन उसके भगवान में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई रुचि नहीं है, श्रमस तस्य श्रम फलो ही अधेनुम एव रक्षता, तो उसका जो जो श्रम है, श्रम फलो, उसका श्रम का फल क्या उसको मिला जो उसने वेदों का इतना अध्ययन किया, तो श्रम का फल क्या मिला? श्रम, बस श्रम ही मिला उसको, और उसको कुछ खास लाभ नहीं हुआ। तो किससे तुलना कर रहे हैं? ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ही अधेनुम एव रक्षिता, अधेनुम मतलब जो गायें दूध नहीं देती। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसी गायें का पालन कर रहा है जो दूध ही नहीं दे रही, तो फिर क्या पॉइंट है? वो तो मतलब गाय को पालना बहुत मुश्किल होता है, गाय के लिए चारा खरीद के लाना पड़ता है, नहीं तो उसको चरने के लिए भूमि का इंतजाम करना पड़ता है। ये दिल्ली की तरह थोड़े ना कि दूध निकाल के गायों को भगा दिया और गाय घर घर जाकर लोगों की तरफ ताकती रहती हैं, या सड़क से जो कूड़ा करकट है वो खा लेती हैं, उसको अपना पेट भरने के लिए शाम को फिर बटोर के ले जाते हैं ग्वाले, उनका दूध निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं होता, गायों की देखभाल करने के लिए बहुत सावधानी, बड़ा मेहनत उसके अंदर करनी पड़ती है। गायों को बीमारियाँ कई लग जाती हैं, इसलिए उनको बार समय समय पर उनका इलाज करवाना पड़ता है, बिल्कुल समय पर उनका दूध निकालना पड़ता है, साफ सफाई है जहाँ पे उनको रखा हुआ है गौशाला में उसकी सफाइयाँ हैं, हर चीज़ मतलब उसके अंदर बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर जब गायें दूध देना बंद कर देती है तो जो व्यक्ति है वो थोड़ी देर तक सोचता रहता है कि चलो वापस ये बच्चा इसका पैदा होगा, कोई बछड़ा पैदा होगा तो फिर दूध देना शुरू कर देगी। लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है उसको ऐसा लगता है ग्वाले को जिसने गायें रखी है
कि अब ये गाय दूध नहीं देगी। तो वो क्या करता है, उस गाय की गाय को उपेक्षा करनी शुरू कर देता है, तो उपेक्षा करनी शुरू कर देता है। तो अब वो जो गाय है, अब गाय को मार तो सकते नहीं ना, उसको बाहर निकाल सकते हैं, अपने पास भी रखना पड़ेगा, तकलीफ देती रहेगी गाय वो। और क्योंकि उसकी प्रॉपर केयर नहीं की तो अगला जन्म भी खराब हो गया उसका, क्योंकि अगर गाय की ध्यान नहीं दिया तो जीवन नष्ट हो जाता है, पर लोक खराब हो जाता है व्यक्ति का। पाप है बेसिकली अगर गाय को आपने रखा और उसकी ठीक से सेवा नहीं की। तो इसीलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को यहाँ कह रहे हैं कि जैसे गाय की सेवा करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर दूध नहीं निकला तो क्या फ़ायदा, इसी प्रकार जो वेद हैं, वेद को पढ़ने के लिए तो पहले आपको 12 साल तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी। वेद को अगर सीखना है तो जो वेदांग है, जो 6 वेदांग है बेसिकली, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। जो शिक्षा है कि संस्कृत के जो शब्दों का उसको कैसे, उसका उच्चारण करना है। कल्प है कि वास्तु शास्त्र कैसे है, यज्ञशाला इत्यादि का निर्माण कैसे करना है। और फिर जो छंद है कि मीटर कि किस सुर में उसको जो है श्लोकों को बोला जाएगा। निरुक्त जो है कि ये शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं ये बने कैसे हैं, धातु क्या इस्तेमाल हो रही है और कैसे किस वे में इस धातु का इस्तेमाल हो रहा है। ज्योतिष आप सबको पता है, एस्ट्रोलॉजी ग्रह इत्यादि के विषय में जानकारी, और व्याकरण ग्रामर बेसिकली। तो इन सब के बारे में जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बगैर सीख नहीं सकते उसको। और अगर ये इसको कई साल लगाकर अगर सीख भी लिया, और अगर वेदों का जो एसेंस है, जो सार है, अगर वो समझ नहीं आया, अगर वेदों में से भगवान कृष्ण को सरेंडर करना है, उनकी शरण लेनी है, अगर ये उसमें से निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जैसे आपने बिना दूध देने वाली गाय को पाल रहे हो, वैसे ही आगे 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण और उदाहरण दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि गाम दुग्ध दोहाम असतिम च भार्याम, कि जैसे जो जो व्यक्ति बड़ा अभागा है, दुर्भाग्यशाली है, कि जिसके पास गाम दुग्ध दोहाम, जिसके पास गाय है जो दूध नहीं दे रही, और जो भार्या है जो उसकी पत्नी है वो असतिम उल्टा है, वो स्त्री किसी और पुरुष के बारे में वो सोच रही है। और जो व्यक्ति है अब स्मृति के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार तो आप तलाक दे नहीं सकते स्त्री को, तो चलो अलग रखो। अलग रखने में भी प्रॉब्लम है, और व्यक्ति सोचता है चल साथ रखता हूँ इसको, जो हमारे शास्त्रों में महान स्त्रियाँ हुई हैं, सती, सावित्री, अरुंधति, माता सीता, इन सब के विषय में इसको जानकारी दूंगा तो हो सकता है इसका हृदय बदल जाए, बट आमतौर पे बदलता नहीं है। जो एक बार घर से पैर बाहर निकाल ले फिर वो वापस सुधरती नहीं है बेसिकली स्त्री वो। और जैसी मूर्ख वो होती है वैसी आगे मूर्ख संतानें, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न करती रहती है। तो वो भी जो है बेसिकली उसके दुख का कारण ही है, रखे तो परेशानी है, छोड़े तो परेशानी है। आगे वो बोल रहे हैं देहम पराधीनम, और जो देह अगर पराधीन है, शरीर काम ही नहीं कर रहा है, स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, बिल्कुल हाथ पैर नहीं चल रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरालिसिस हो गया किसी को, या कोई इतनी हार्ट डिसीज हो गई वेजिटेबल की तरह पड़ा हुआ बिस्तरे पे, तो ऐसे शरीर का पालन करना भी कष्टप्रद है, जो कर रहा है बड़ा दुर्भाग्यशाली है। और वो कह रहे हैं असत प्रजाम चा, और प्रजा के 2 शब्द ले सकते हैं, राजा के लिए प्रजा, ये प्रजा कहना ही नहीं मान रही, जैसे पाकिस्तान में आप देखो कि चारों तरफ
कोरोना वायरस फैला हुआ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि भैया घरों में रहो, घरों में रहो, लेकिन रमज़ान शुरू हो गया तो वहाँ के जो मौलवी हैं, इमाम हैं, उन्होंने बोला भाई घर में नहीं रह सकते, अगर आपने घर में रहने के लिए बोला तो दंगा फैल जाएगा, लोगों को मस्जिद में आने आपको परमिशन देनी पड़ेगी, और सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे। अब वो लोग जाएंगे और क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे बाज़ारों में, मस्जिदों में, तो कोरोना वायरस और फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। यही चीज़ भारत में भी हो रही है कि लोग मान नहीं रहे और वो जाके बाज़ारों में भीड़ लगाएंगे और कोरोना वायरस उससे फैलता चला जाएगा बजाय के रुकने के। सो अगर प्रजा आज्ञाकारी नहीं है, बेकार है। अगर बच्चे, प्रजा का मतलब बच्चे भी होता है, अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं है तो वो भी बेकार है। अगर बच्चा कहना ही नहीं मान रहा, आप जो पिता है उसके लिए तो हर क्षण मौत के समान है, अपमानित होता रहता है, कोई बात बोली नहीं मानी तो अपमान ही हो गया, और बड़े व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के बराबर होता है। आप निरंतर अपमानित होते रहोगे, निरंतर मौत का सामना कर रहे हो। नहीं, जयद्रथ के केस में भी हमने देखा था, और जो द्रोणाचार्य का पुत्र जिसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसके विषय में भी यही है कि उसको पकड़ के लाए थे और लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला चलो इसका अपमान करके भेज दो सम्मानित व्यक्ति के लिए, जो अच्छे कुल से है उसका अपमान कर दिया तो मृत्यु के बराबर ही है। युधिष्ठिर महाराज के केस में भी अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही सुझाव दिया था कि अपमान कर दो, अपमान करने से मृत्यु हो जाती है, एक ही बराबर होता है वो। तो अगर बच्चा कहना नहीं मान रहा तो भी बेकार है। और बोल रहे हैं कि वित्तम तु अतीर्थी कृतम अंगवाचम, कि जो धन है वो अगर अच्छे कार्य में नहीं लगा, और अंग, अंग मीन्स उद्धव, उद्धव का नाम अंग है, तो बोल रहे हैं कि हे उद्धव वाचम, अगर वाचम हीनम मया रक्षति दुख दुखी, अगर वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और उससे मेरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मेरे विषय में अगर जानकारी नहीं प्राप्त करके और दुनिया भर के विषयों के बारे में जानकारी ले ली, तो बेसिकली वो उस व्यक्ति से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है कि इतनी मेहनत भी की, इतना कष्ट भी उठाया और हाथ कुछ नहीं आया। आगे 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण आगे बोल रहे हैं, यस्याम न मे पावनम अंग कर्मा स्थिति उद्भव प्राण निरोधम अस्य लीलावतारेप्सित जन्म वास्याद वंध्याम गिरम ताम बिभ्रियान न धीरा। और वो कह रहे हैं हे उद्धव, जो एक समझदार व्यक्ति है, जो धीरा, धीरा मतलब समझदार व्यक्ति, जो धीरा है बिभ्रियान्ना, वो पालन नहीं करते, वो जो धीर व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो ऐसे लिटरेचर, ऐसे ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं, ऐसे शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं जिसमें मेरे लीलाओं का वर्णन नहीं है, जो पूरे संसार को शुद्ध कर देती हैं। भगवान की लीलाएं अगर सताम प्रसंगान मम वीर संवितो, तो अगर भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं सुने जाएं तो हृदय में स्थित जितने भी रोग हैं, जितने भी अनर्थ हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं बेसिकली। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं सृष्टि पालन और संहार करने वाला हूँ, और मेरे जितने भी मेरे अवतार हैं उनमें सबसे मुख्य जो अवतार हैं वो कृष्ण और बलराम के अवतार ही हैं। और ब्रह्मा जी भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान के अनंत अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अक्रोध भुवनेषु, किंतु कृष्णा स्वयं
संभवत परम पुमानियो गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। ये भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो प्रमुख हैं, वो अंश हैं। जितने भी अवतार हैं विष्णु नारायण इत्यादि, वो सब भगवान कृष्ण से ही उद्भूत हुए हैं, उनसे प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण इस बारे में भगवद गीता में भी बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि हर जितने भी आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है वो मुझसे प्रकट हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जितने भी अवतार हैं उसमें से सबसे प्रमुख कृष्ण बलराम के अवतार हैं। और उन्होंने कहा कि जो ये तथाकथित ज्ञान जो है, जो मेरी लीलाओं के विषय में चर्चा नहीं कर रहा, वो एक बांझ स्त्री की तरह है। जिस प्रकार एक बांझ स्त्री है वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकती, उसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान भी अगर है और भगवान की लीलाओं से भगवान से संबंधित नहीं है अगर, तो वो बांझ ही है वो ज्ञान। मतलब उससे कृष्ण प्रेम रूपी फल, वो संतान उससे कभी पैदा नहीं होगी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जो एक धीर व्यक्ति है, विभ्रयान न धीरा, जो समझदार व्यक्ति है वो कभी इसका पालन नहीं करते, कभी इसके पीछे वो बेसिकली नहीं जाते। भगवान कृष्ण जो है वो उधर रूपा गोस्वामी पद्यावली में भी बिल्कुल सिमिलर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रुतम अपि औपनिषदम दूरे हरि कथामृतात् यन्न संति द्रवच्चित्ता कंपाश्रु पुलकादया, कि अगर ये जो उपनिषद इत्यादि जितने भी उपनिषद हैं, इनका जो शिक्षा है ये भगवान हरि का जो अमृतमय जो कथाएं हैं, विषय हैं, उनसे बहुत दूर हैं। दूरे हरि कथा अमृता, उनसे बहुत दूर स्थित हैं। और इसी कारण से उपनिषद पढ़ने से कभी भी जो हृदय द्रवित नहीं होता, कभी भी कंपश्रु पुलकाश्रु इस तरह के कभी भी जो भाव हैं कि आपके रोमांच हो गया, आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, ये उपनिषद इत्यादि पढ़ने से कभी भी ये लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं जबकि वेदों के अंदर, वेदों का लक्ष्य ही बेसिकली भगवान को जानना है। और भगवान भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं निस्त्रय गुण्या भवार्जुना, कि अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, ये जो वेद है, वेद त्रय गुण्या विषया वेदा, वेदों के अंदर तीन गुणों से संबंधित विषय बात कर रखी है, और निस्त्रय गुण्या भवार्जुना, ये वेदों को छोड़ो, तीन गुणों को छोड़ो, ऊपर उठने की बात करो। यहाँ कह रहे हैं वेदेश च सर्वेर अहम है वेद्या, वेदों से आप मेरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये जो विरोधाभास है इसको कैसे हम इसको सुलझा सकते हैं, तो इसको सुलझाया जा सकता है इस बात को समझकर कि जो भगवान के जो जो मैसेज है, जो वेद है, वेदों में मोस्टली जो है परोक्ष अर्थ ज़्यादा प्रधान है। वेदों में एक कोडेड लैंग्वेज में बात कर रखी है, उसको समझने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए, वो एक सिर्फ संस्कृत का ज्ञान होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको वो मैसेज डी कोड करने के लिए, उसको डिसाइफर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको एक गुरु का फॉर एग्जांपल संरक्षण आपको लेना ही पड़ेगा। वेद कई बार जो बात बोलते हैं उस बात का मतलब एक्चुअली में वो नहीं होता, कुछ और मतलब चल रहा होता, उसको समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है। हमारे शास्त्रों में उदाहरण है इस बात के, जब दुर्योधन और शकुनि ने इन्होंने बोला था पांडवों को, तुम्हारे लिए हमने एक बड़े आलिशान महल हमने बनवाया है, तुम जाके वहाँ पे कुछ दिन रह के आओ। और वो लाख का बना हुआ था, लाख में तो जरा सी आँच दिखाओ एकदम जल जाता है वो।
जब विदुर जी को पता चला तो विदुर जी ने एक शिकारी के भेष में एक भेजा था एक मैसेंजर को, संदेशवाहक को, और वो एक चूहा, सफ़ेद रंग का चूहा ले गया था, और सब लोग भेंट दे रहे थे महाराज युधिष्ठिर को, तो उसने भी भेंट दी। और उसने बड़ी विचित्र भाषा में उसने महाराज युधिष्ठिर को बोला कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा सुरक्षित रहता है। तो ये बात बोल के वो चला गया। अब महाराज युधिष्ठिर इंटेलिजेंट थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये विचित्र भाषा में इसने बात की है, तो ये ज़रूर कोई कोडेड मैसेज है। और फिर उन्होंने उसको डीकोड कर लिया, उन्होंने समझ लिया कि ज़रूर इस महल जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे आग लगने वाली है। और जैसे चूहा बिल खोद के बच के निकल जाता है, वैसे हमें भी सुरंग खोदनी चाहिए। सुरंग खोद ही निकल गए बच के, आग बाल भी बांका नहीं कर पाए, और जिन्होंने आग लगाई थी वही उसमें जल के मर गए। ये कोडेड मैसेज हमें महाभारत में हमें इसकी सूचना मिलती है, चैतन्य चरितामृत में भी हमें सूचना मिलती है। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला के अंदर 19वें अध्याय में जगदानंद पंडित मिले थे अद्वैताचार्य जी से। अद्वैताचार्य जी ने, जब उनके जाने का समय हुआ, अद्वैताचार्य जी ने बोला कि भाई ऐसी बात है, एक पागल की तरफ से दूसरे पागल को एक समाचार दे देना। तो अद्वैताचार्य का मतलब यह था कि मैं भी पागल हूँ और चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी मदोन्मत है, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और उन्होंने उनको बोला था बाउल के कही है, और जाके वो जो मदोन्मत व्यक्ति है मतलब चैतन्य महाप्रभु, उनको बोला बाउल के कही है लोक हई ला बाउल, कि आप वो पागल व्यक्ति को जाके बोलना कि लोग पागल हो चुके हैं। और उन्होंने बोला बाउल के कही उस पागल व्यक्ति को जाके बोलना हाटे ना विकाए चावल, कि अब जो बाजार है उसमें अब चावल बिक नहीं रहे। जगदानंद पंडित ने सुना जब ये मैसेज तो बहुत हंसे हैं, क्या अजीब सी बेतुकी सी बात है। और जब पूरी पहुँचे, उन्होंने भक्त थे सबके सामने, जगदानंद पंडित ने महाप्रभु को ये संदेश सुना दिया। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो उन्होंने बोला अच्छा अद्वैताचार्य ने ऐसे बोला है, चलो ठीक है। वो बात ख़त्म हो गई बस इतना बोल के, चलो ठीक है। और लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ गए इसका मतलब, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु ये बात समझ नहीं आई, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो महाप्रभु ने कहा पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई क्या कह रहा हूँ, क्लियर नहीं है मेरे को भी। तो महाप्रभु ने बोला कि ये जो अद्वैताचार्य है बहुत ही कुशल व्यक्ति है विग्रह की पूजा करने के लिए। और जैसे विग्रह की पूजा जब कोई अपने घर में पूजन रखवाता है तो वो इन्वोक करता है, आवाहन करता है वो भगवान का कि आप आइए विराजमान होइए, और फिर पूजा अच्छे से करता है। और जब पूजा समाप्त हो जाती है, कार्य संपन्न हो जाता है, तो वो उनको बोलता है आप वापस चले जाओ जहाँ भी जाना चाहते हो। तो उसी तरह से ये जो अद्वैताचार्य है, ये भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी कोई कुशल मूर्ति पूजक है। और लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ये मैसेज क्यों भेजा। और जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये बात सुनी थी तो बहुत ही उदास हो गए थे वो, क्योंकि वो समझ गए थे कि महाप्रभु के लीला शेष करने का टाइम आ गया है। और उस दिन से ही महाप्रभु के स्वभाव में बदलाव आ गया था, जो तीक्ष्ण था थी, जो तीव्रता थी, जो उनके कृष्ण विरह की, वो तीव्रता पहले से संभाले नहीं जा रहे थे और भी कई गुना बढ़ गई। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 19वें अध्याय में ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो कोडेड लैंग्वेज जितने भी आप देखो, जितने भी स्पाइज हैं, जासूस वासूस हैं, ये सब भी कोडेड लैंग्वेज पे इनकी गाड़ी चलती है। कोडेड मैसेज आता है, वो कोडेड मैसेज सब लोगों को लगेगा साधारण लोगों को कि यार ये तो सिंपल मैसेज है, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है, एक्सपर्ट व्यक्ति है, वो उसमें से उसको
निकाल लेते हैं कि वो वास्तव में ये बात हो रही है। तो वेदों के साथ भी ऐसा ही है कि जो कोडेड लैंग्वेज है वो वेद जो है वो कोडेड लैंग्वेज के अंदर है। हर श्लोक में वेद के हर शब्द के अंदर कृष्ण प्रेम निहित है, लेकिन जब लोग पढ़ेंगे तो लोग देखते हैं अरे वेदों में तो अग्नि की स्तुति हो रही है, इंद्र की स्तुति हो रही है, वायु की स्तुति हो रही है। तो लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, स्पेशली जो पाश्चात्य देशों से जो स्कॉलर्स आए थे, विद्वान आए थे, मैक्स मुलर इत्यादि, उन्होंने यही बोला कि अरे ये तो आग वाग की पूजा कर रहे हैं, आग वायु की, ये तो पगान्स उन्होंने बोला था, पिछड़े हुए हैं बहुत। और दूसरा उन्होंने बोला था पॉलीथीज्म है, बहु देवी देववाद है यहाँ पर, और इतने करोड़ों देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। लेकिन वास्तव में जो है, और संस्कृत की जानकारी होने से, उसका गहन अध्ययन होने से बात नहीं बन जाती। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी पहुँचे थे पहली दफ़ा संन्यास लेने के बाद, और सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि मैं आपको वेदांत की शिक्षा देना चाहता हूँ जिससे आपकी संन्यास की रक्षा हो जाए। चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने वो बोला ओके फाइन, 7 दिन तक उनको वेदांत की शिक्षा देते रहे। और 7 दिन शिक्षा लेने के बाद 8वें दिन जब उन्होंने बोला कुछ समझ में आया, तो महाप्रभु ने बोला वेदांत तो मुझे क्लियर है, आप पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आपकी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हो रही मेरे को। तो वेदांत में, मतलब अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्ट मीनिंग है, एक इनडायरेक्ट मीनिंग है, वो दो मीनिंग चलेंगे। इनडायरेक्ट में भी कई मतलब उसमें से निकलते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस आत्माराम जो श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी 61 व्याख्याएं दी थी, और एक भी व्याख्या भी कभी भी रिपीट नहीं हुई थी। ऐसा नहीं कि एक बात को दोबारा उन्होंने दोहरा दिया हो। एक संस्कृत के एक वर्ष की, एक श्लोक की अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। तो अब कौन सी व्याख्या उपयुक्त है उसको जानने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो आप शास्त्र पढ़ते रहोगे, वेद पढ़ते रहोगे, और उसमें से वो एसेंस जो उसका सार है वो निकाल नहीं पाओगे। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगे हुए हैं। अब आम का जो फल है उसमें रस कहाँ से आया? आम के पेड़ से आया। लेकिन आप आम के पेड़ को कहीं से भी कोई हिस्सा काट के आप वो रस नहीं ले सकते। अगर आपको रस का आस्वादन करना है तो आपको आम से ही उसका, आम का जो फल है वही खाओगे तो उसका रस का आस्वादन कर पाओगे। हो सकता है कोई व्यक्ति हो वो केमिकली आम के पेड़ में से भी रस निकाल ले, हो सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसके लिए तो अगर आम के रस का आस्वादन करना है तो आम का फल ही खाना पड़ेगा। आम का तना, टहनी, पत्तियाँ खाने से बात नहीं बनेगी। उसी तरह से जो वेद हैं, वेद केवल और केवल कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसको समझने की ताकत आम जनता के अंदर, साधारण व्यक्तियों में नहीं होती। इसीलिए नारद जी ये बोल रहे हैं कि वेदों को अगर त्याग करके, उनको वेदों को रिनाउंस कर दो, त्याग कर दो, तो अविच्छिन्न, तो आपको निर्बाध भक्ति, कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त होगा। एक दूसरी कंसिडरेशन ये भी है कि वेदों में करोड़ों श्लोक हैं, ऋग्वेद के अंदर ही, ऋग्वेद में हजारों शाखाएं हैं, उसमें से सिर्फ 1100 शाखाएं अभी उपलब्ध हैं, और वो 1100 शाखाओं में भी 1 करोड़ से ज़्यादा उसके अंदर श्लोक हैं। तो उसको पढ़ना, उन श्लोकों को पहले संस्कृत लैंग्वेज सीख कर उनको पढ़ना, फिर उनका समन्वय करना, फिर उसको उसमें से उसका एसेंस, उसका सार निचोड़, उसका निकालना लगभग
असंभव सी बात है। इसीलिए जो हमारे आचार्य हैं वो इस चीज़ की संस्तुति करते हैं कि जो भक्त हैं उनको आम खाना चाहिए, मतलब उनको ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिसमें डायरेक्टली भगवान के लीलाओं का ही वर्णन है। तो अगर भक्त जो हैं अगर वो भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत जिसमें भगवान के बारे में एकदम प्रधानता से भगवान की लीलाओं के बारे में भगवान की शिक्षाओं के बारे में वर्णन है अगर उसको पढ़ेंगे तो सहायता मिलेगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और भगवान के प्रति हमारी जो आस्था जो श्रद्धा है उसमें हमारी जो श्रद्धा गाढ़ी होगी हमारी। अन्यथा अगर हम सोचें कि नहीं हम तो इंटेलिजेंट है वेदों को पढ़ लेंगे, तो वेदों को पढ़ के आम तौर पर जो संभावना यही है कि स्वर्ग लोकों में या किसी और देवी देवता में या किसी और प्रोसेस में हमारी आसक्ति जाग जाएगी, तो जो मुख्य उसका लक्षण है जो मुख्य वृत्ति है वेदों की भगवान कृष्ण को जानना, उस वृत्ति से हम चूक सकते हैं। इसीलिए अगर हम भगवद गीता भागवतम की बात करें तो भगवद गीता भागवतम की भी कई टीकाएँ हैं जो कि मायावादी लोगों ने दे रखी हैं। तो जब हम ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें जो एक प्रमाणिक गुरु परंपरा से आए हुए भक्तों के सान्निध्य में और आचार्यों की जो टीकाएँ हैं जैसे शिल प्रपात की टीका है केवल उसी को पढ़ के हमें पढ़ना उन्हीं ग्रंथों को उन्हीं टीकाओं को हमें पढ़ना चाहिए और ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में भी चलना चाहिए, तो हम बात को समझ पाएंगे। जैसे रूपा गोस्वामी ने पद्यावली कोट कर दी, उन्होंने बोला कि देखो उपनिषद पढ़ के भी वो जो है वो कृष्ण कथामृत दूर रहती है, भगवान के जो लीलाओं का अमृत है वो दूर रहेगा, आप पान नहीं कर पाओगे। लेकिन शिल प्रपात ने ईशोपनिषद की शिल प्रपात ने उसकी टीका दी है और उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने भक्ति के दृष्टिकोण से उसकी टीका दी है, उसको पढ़ने से भक्ति आगे बढ़ेगी। तो एक गुरु के संरक्षण में अगर हम ये भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत इत्यादि ग्रंथों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं और उनसे हम जिज्ञासा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन कर पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से जो है नारद जी बोल रहे हैं कि आप वेदों को पढ़ के उन करोड़ों श्लोकों को पढ़ के उनका विरोधाभास समन्वय करने की चेष्टा मत करो, सिंपली आप जिसमें कि प्रधानता से भगवान की लीलाएं वर्णित हैं उन्हीं को पढ़ो और उनको पढ़ के अपनी भगवान की सेवा करने में आसक्ति बढ़ाओ जिससे कि आपको भगवान की अविच्छिन्न भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसको यहीं पे विराम देते हैं।